हम क्या अटेम्प्ट करके इनसे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि इनको असेबी मसला शायद ना हो? सही, तो बताइएगा व्हाट इज एक्चुअली हिप्नोसिस क्या है? अच्छा, देखिए आम लोगों को बताने के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में इस चीज़ को बताऊंगा ताकि लोग ज़रा समझें इस चीज़ को कि हिप्नोसिस है क्या, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए माइंड सेंसेस के हवाले से भी और हिप्नोसिस के हवाले से भी। क्योंकि देखें होता क्या है कि जो हम अपनी जो माइंड सेंसेस की दुनिया है इसमें हम कहते हैं कि जो जादू होता है, जिन्नात होते हैं, ये 70% एग्जिस्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, होता क्या है, अब दूसरी साइड पे आप देखें कि 70% जो आमिल और इस तरह के लोग बैठे हुए हैं महबूबा के कदमों में और ये हो जाता है और हम आधे घंटे में आपका मसला हल कर देते हैं, 70% वो लोग जाली है। ठीक है ना। तो अब क्या होता क्या है कि जब इस तरह के इश्यूज लोगों के साथ होना शुरू होते हैं तो वो असेबी समझ के बाबों और आमिल लोगों के पास जाते हैं। ठीक है। तो उससे इशू बढ़ने लगता है। लेकिन अगर वो हिप्नोसिस का इस्तेमाल करें, उसको यूज़ करें, तो होता क्या है कि इससे फिर चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आती हैं। ना सिर्फ कंट्रोल में आती हैं कि इंसान जो है वो उससे बाहर निकल के एक आम रूटीन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। आपका आपका कहना ये है कि एक बंदे को अगर जिन्नाती मसला या असेबी मसाइल फेस हो रहे हैं, फील हो रहे हैं, तो आपका ये कहना है कि वो ज्यादातर वहम होता है। ठीक है जी, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल सही। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूँ, अदील साहब, आप ऐसा नहीं समझते कि जो एक जाली पीर भी है, जो जाली आमिल है, वो अपनी बातों से अगले को हिप्नोटाइज कर लेता है? देखें, ऐसा नहीं है। देखें, मैं आपको बताता हूँ, तफसील से आपको एक चीज बताता हूँ। देखें, एक होते हैं जिन्नात, एक हो गया जादू। ठीक है, अब और तीसरी चीज़ एक बहुत ज़रूरी है, वो है असरात। ठीक है। अच्छा, असरात को मैं डिफ़ाइन करूँगा इस तरह से, देखें जिन्नात को भी हम साइड पे कर दें, जादू को भी अभी फ़िलहाल साइड पे कर लें। असरात को हम ऐसे देखें कि नॉर्मल जो हम आजकल के जो हालात चल रहे हैं, ठीक है, जो हालात हैं वो हर इंसान की जो माइंड है उस पर असरानंदाज हो रहे हैं। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वो उस पर असरअंदाज हो, यानी जिन लोगों से वो मिलजुल रहा है, बैठ रहा है, ठीक है, वो भी नेगेटिव है आजकल के उसमें इन्वायरमेंट में जी। और ये दो चीज़ें होगी तो, और उसका अपना थॉट प्रोसेस इन चीज़ों की वजह से नेगेटिव हो जाता है, जिससे उसके ज़िंदगी पे असरात आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब वो असरात, उसको नहीं पता कि वो उसकी ये तीनों चीज़ों की मिल के तीनों चीज़ों की वजह से उसके ऊपर आ रहे होते हैं वो असरात। ठीक है, वो उनको जिन्नात और वो जादू से रिलेट करवा रहा होता है। ठीक है, अगर वो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आए तो हम फिर उसको गाइड करते हैं कि यार जिन्नात नहीं है, जादू नहीं है, हाँ डिटेक्ट, हाँ वो आपके ये चीज़ें जो है वो हाँ माइंड की गेम है बेसिकली। तो फिर हम उसको ट्रीट करते हैं तो उसको एहसास होता है कि वाकई अगर मैं रिलैक्स हूँ और फोकस करना शुरू करूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकता हूँ। जैसे एक चीज़ को देखने के दो एंगल्स होते हैं, हम क्या करते हैं उसके एंगल को देखने के एंगल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उसको नजर आता है कि नहीं, दुनिया ऐसी भी है जैसी मैं सोच रहा था वैसी नहीं है, दुनिया ऐसी भी है, ऐसी भी है। हिप्नोसिस का अमल है वो कितने टाइम का होता है जी, उसमें क्या क्या करना पड़ता है जी? ठीक है, और उसमें जैसा ये पीछे हमारे इवेंट्स LCD में चल रहा है, कौन कौन से हम एलिमेंट को इक्विपमेंट को यूज करते हैं टू परफॉर्म द हिप्नोसिस? अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि हिप्नोसिस बेसिकली काम कैसे करता है, इसके कैसे हम जो इसका इफ़ेक्ट्स है कैसे हम इसको महसूस कर सकते हैं अपनी आम लाइफ में। लेकिन उससे पहले ये समझें कि देखें, एक चीज़ होती है हमारा ब्रेन जिसको हम टच कर सकते हैं, और एक चीज़ होती है सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं माइंड। अच्छा, इस माइंड के तीन हिस्से होते हैं। माइंड के तीन हिस्से कैसे हैं, एक कॉन्शियस माइंड हमारा, उसके नीचे होता है सब कॉन्शियस माइंड, और फिर अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन अभी हमारी डोमेन अनकॉन्शियस माइंड की नहीं है, अभी जो हम बात करना चाह रहे हैं वो है सब कॉन्शियस माइंड। अच्छा, इस सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हमारी फीलिंग्स, हमारे जो जज्बात और फिर इनसे मिलके बनती हैं हमारे बिलीफ्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बिलीफ्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में जो हम एक्ट कर रहे होते हैं, जो बिहेवियर्स होते हैं हमारे, वो अकॉर्डिंग टू आर बिलीफ्स होते हैं। तो अब करना क्या होता है कि एक आम जो बंदा बैठा हुआ है वो कॉन्शियस है, अगर हम उसे कहें कि यार ये ना करो, वो नहीं मानेगा हमारी बात। अगर हम उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाएं और पॉजिटिवली उसको अफर्मेटिव्स दें तो वो उस पर अमल करना शुरू कर देता है। अच्छा,
अब ये जो हिप्नोसिस है, ये फिर ये डेवलप हुआ कि हम किसी के सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकें और उसमें चेंजेस ला सकें जो कि उसके लिए बेनिफिशियल हों और वो अपनी ज़िंदगी में इससे बेनिफिट उठा सके। अब आपके उस सवाल की तरफ के इस क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, हम इसमें ये जो स्पाइरल है ये भी हम यूज़ करते हैं हिप्नोटाइज करने के लिए, दूसरा हम पेंडुलम का यूज़ करते हैं हिप्नोटाइज करने के लिए, लेकिन इसमें इस जो शख्स हिप्नोटाइज कर रहा होता है उसकी आवाज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो किस तरह उसको उस ट्रांस की कैफियत में ले जाता है, उसको बेसिकली कहते हैं ट्रांस की कैफियत। और फिर उस ट्रांस को हम डीप करते जाते हैं, जब हम डीप करते जाते हैं तो हम एक्सेस हासिल करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। अब तो आप लोगों ने समझ लिया कि सबकॉन्शियस माइंड में ही हमारा जो है बेसिक जो है स्ट्रक्चर होता है जिसमें जिसके ज़रिए हम एक्ट करते हैं। अभी जैसा ये जो विक्टिम है उनके ऊपर जो मामला है इसके ऊपर हम उस फिर आप क्वेश्चनिंग करेंगे जो भी, अगर इन पे जिन्नात का मसला नहीं है जी और ऐसा मसला होगा तो वो कितनी हम अभी अटेम्प्ट्स ये भी पता लग जाएगा उसका। जी बिल्कुल, इनसे मैं क्वेश्चनिंग करूंगा और इनसे पूछूंगा कि इनको क्या फीलिंग्स होती है। देखिए बेसिकली जो क्वेश्चनिंग होती है उसमें यही होता है कि जो आपको क्या फील हो रहा है, बाज़ दफ़ा पेशेंट होता है वो एनर्जी फील कर रहा होता है, बाज़ दफ़ा वो डिप्रेस होता है, एंजाइटी में होता है, और वो बहुत मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं। अच्छा, उनके पोस्चर से पता लग जाता है कि वो डिप्रेस हैं, उनके बात करने के स्टाइल से पता लग जाता है कि वो डिप्रेस है, ठीक है ना। तो हम फिर उसको रिलेट करवा, देखें हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को टैग करते हैं, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आई हमने टैग कर दिया जी जादू है, ठीक। अच्छा, हम 70-80% तो खुद समझ के उसके पास जाते हैं, अमिल के पास, के हमारे हम पे जादू है, ठीक है। वो तो हमने पहले ही डिफाइन कर लिया है कि जादू है तो उसको तो बस खेलना है हमसे। हाँ, वो तो ऑब्वियसली उसको तो पकी पकाई ये खीर मिल गई, ठीक है, ठीक है। तो उसने उसको तो माइंड से खेला आपके। अदीप भाई, अभी हम उस प्रोसेस की तरफ चलते हैं, प्रोसीजर जी। फैसल भाई को हम देखते हैं जी जी कि क्या मामला है जी। मैं चाहूंगा दोनों एलिमेंट अगर यूज करें जी, इसको भी देख लें या एक से करना पड़ेगा, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इसका भी लोगों को पता लग जाए। हाँ जी, बिल्कुल, प्रोसीजर का जी। और थोड़ा हम पेंडुलम से भी इनको ट्राई कर लें जी, इसको हाफली हम दो खुले देख लेते हैं। तो आई नाजिन उस प्रोसीजर की जाने चलते हैं जो कि आज से पहले आसेफ ज्यादा शो में नहीं हुआ, और इसमें हम देखते हैं कि कितनी हमारी टीम की वजह से फैसल साहब की हेल्प हो सकती है। उस प्रोसीजर की जाने चलते हैं, आइए बिस्मिल्लाह करते हैं।